अस्सी एम दे हो ले बता 120 120 सब पढ़ी हो धनिया सब जूरी और गिनती कर दिए हैं अब इसको भी छोड़ कर आते हैं भैया पास चलो भाई पैसा ले लेते हैं 80 सौ रुपये दे रहे हैं चलो अभी टोटल सेलिंग की बात करें ना तो आज मैंने सेल किया है दोस्तों हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 7 और अभी हम लोग आ चुके हैं मेथी की हार्वेस्टिंग करने के लिए ये देखिए दोस्तों सभी लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं और इतना सारा हार्वेस्ट भी कर लिए हैं उस साइड भी मैं थोड़ा लेट से आ रहा हूँ और धनिया भी हार्वेस्ट किए हैं वो दूसरे बाड़ी का उसको भी दिखाऊँगा चलो अभी मेथी को हार्वेस्ट कर लेते हैं सो दोस्तों अभी थोड़ा बहुत मेथी हार्वेस्ट कर लिए हैं ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है और उस साइड भी रखा हुआ है चारों तरफ भी बिछा हुआ है और ये थोड़ा सा बच गया है ये वाला हिस्सा और ये वाला सभी को तो हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अभी मैं कल में लास्ट होगा अभी कितना जूरी हार्वेस्ट हुआ है उसको गिनती कर लेता हूँ अभी दोस्तों मेथी को गिनती करके ले आए हैं धनिया वाले बाड़ी के पास ये देखो भाई इधर एक झोला मेथी रखा हुआ है 400 जूरी है अभी मेथी 100 जूरी और हार्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 जूरी हो जाएगा अभी मैं आ चुका हूँ धनिया की गिनती करने के लिए ये देख सकते हैं दोस्तों इधर धनिया रखा हुआ है वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसको गिनती करेंगे भाई चलो धनिया की भी गिनती करते हैं देखते हैं ये कितना जूरी है सो दोस्तों अभी धनिया को भी गिनती करके झोला में डाल दिए हैं ये देखो भाई इधर रखा हुआ है और उधर मेथी रखा हुआ है चलो अब इसको टंकी के पास ले चलते हैं दो बार में जाएगा भाई एक बार धनिया एक बार मेथी करके चलो छोड़ कर आते हैं अभी दोस्तों मेथी को पहुंचा कर आ गए हैं और धनिया को पापा ले गए हैं बाकी 350 जूरी था ना उसको 400 जूरी बना रहे हैं भाई 50 जूरी और हार्वेस्ट कर रहे हैं देखो मेरी भतीजी और मम्मी अभी आ चुका हूं दोस्तों मैं घर और मेथी धनिया को पापा और मेरी पत्नी धोकर झोला में डालेंगे मैं तैयार हो जाता हूँ इस मार्केट जाने के लिए अभी दोस्तों मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ ये देखिए दोनों साइड रखा हुआ है एक साइड धनिया एक साइड मेथी अब चलिए गाड़ी को लोड कर लेते हैं गाड़ी को लोड कर दिए हैं ये देखिए भाई चलिए अब निकलते हैं मार्केट अभी मार्केट पहुंच चुका हूं लेकिन ट्रैफिक में फंसा हूं यार 10 मिनट हो गया ये देखो भैया लोग अभी बैगन को गाड़ी में लाद रहे हैं भाई और सामने में फुल भीड़ है आगे साइड में पूरा गाड़ी वगैरह रखा हुआ है चलो अभी देखते हैं कितना समय में निकल पाते हैं तो दोस्तों लगभग 20 मिनट बाद यार अपनी जगह पे पहुंचे हैं ये देखो भीड़ को देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ 80 वाजिब का 80 80 एम दे हो ले बता 120 सौ पढ़ी हो धनिया 80 कर ले नहीं 100 कम नहीं पड़े खुद के मत देता हूँ सब 120 मत देते रहे मेथी सौ चलो गाइस 100 जूरी धनिया मेथी दे दिए चलो अभी बचा है उसको भी देखते हैं बेचते हैं क्या रेट में बिकेगा
सबका तो सन 50-60 मांगे होती बस। आठ भाई तोरो नहीं आई भैया, 80-80 70 रुपए मांग रहे हैं यार, बाकी बचे हैं उसको 200 बिक चुका है। 100 जोड़ी गणपत भैया 300 बिक गए मान के चलो यार, और एक भैया और बोले हैं 300 लगभग बिक गए, 200 बचा होगा, 80 रुपए में ही दिए हैं, 80 रुपए में देख लेते हैं बिक जाए तो। चलो गाइस अभी 100-100 जोड़ी धनिया मेथी गिनती करके बांध देते हैं भाई कपड़ा में, उसके बाद पहुँचा के आएंगे भैया के पास। सो गाइस अपना सभी धनिया बिक चुका है यार, 400 जूरी था जिसमें से 200 जूरी तो एक अलग व्यापारी को दिए हैं, और 200 जूरी में से 100-100 जूरी चंदू भैया और गणपत भैया रख दिए हैं, तो सब बिक गया यार, और 100 रुपए सैकड़ा में दिए हैं चंदू भैया लोगों से देख लेंगे, और मेथी को 80 रुपए में दे रहे हैं आप, तो 100-100 जूरी मेथी गणपत भैया और चंदू भैया दोनों को ही बोले हैं, मतलब 100 जूरी धनिया 100 जूरी मेथी करके दोनों को एक देना है। चलो अभी गिनती कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना सभी मेथी और धनिया बिक चुका है यार, 80 रुपए में दिए हैं उसको भी, 100-100 जूरी एक भैया रख लिए हैं, दो जने लिए हैं मतलब, और ये देखो धनिया भी पूरा बिक चुका है, अभी सभी का गिनती कर रहा हूँ, ये वाला चंदू भैया के लिए है, अभी इसमें का गिनती करके गणपत भैया के पास छोड़ के आऊँगा, और उधर एक भैया के लिए और रखा हूँ, अभी और इसको गिनती कर देता हूँ गणपत भैया के लिए। चलो गाइस हो गया यार, सभी के लिए अब गिनती कर दिए हैं, अब छोड़ के आने बस का काम है, सबसे पहले गणपत भैया के पास छोड़ के आते हैं। गणपत भैया का पहले छोड़ने जाने वाला था लेकिन लोरमी वाले भैया लोग जल्दी मंगा रहे हैं तो उनका ही पहले छोड़ के आ जाते हैं यार। तो दोस्तों अभी लोरमी वाले भैया के पास पहुँच चुके हैं, और ये देखो इसमें डाल दिए हैं भाई धनिया मेथी को, और 100 जूरी को कैरेट में डाल दिए हैं। अब चलो यार चलते हैं फिर से मार्केट साइड, अपना पैसा भी हो चुका है, अब बाकी बचे हैं उसको गिनती करके छोड़ेंगे, गणपत भैया का बचा है, चंदू भैया का बचा है, और क्या है हो गया, और दो भैया मेथी लिए हैं उनका बचा है। सो दोस्तों अभी वापस से आ चुके हैं, सब्जी रखे थे वहाँ पे, और ये देखिए यार गणपत भैया बस का बचा है धनिया मेथी, चंदू भैया ले गए हैं यार अपना धनिया मेथी को, खुद ही लेकर ऑटो में डाल दिए। चलो अभी मेथी बचा है, दो भैया लिए हैं 100-100 जूरी, उनको भी गिनती कर देते हैं, 100 जूरी गिनती करके छोड़ के आता हूँ। चलो गाइस 100 जूरी और गिनती कर दिए हैं, अब इसको भी छोड़ कर आते हैं भैया के पास। चलो गाइस अभी छोड़ने के लिए जा रहा हूँ यार मेथी को 100 जूरी, उसके बाद अभी और आना है, पूरा काम ही काम है, चलो इसको जल्दी छोड़ के आते हैं। चलो गाइस अभी व्यापारी के पास पहुँच चुके हैं लेकिन व्यापारी नहीं आए हैं यार, तो बड़ू भैया अभी खाली कर रहे हैं ना भैया, इनका ही दोस्त है तो खाली कर दे, उठा भी नहीं रहा तो वहीं भरवा लेते हैं यार। चलो ठीक है धन्यवाद भैया, खाली करवा लो अभी, और छोड़ने जाना है ना वरना दिक्कत नहीं था। चलो गाइस अभी खाली कर देते हैं बोरी में, चलो गाइस मेथी को खाली कर दिए हैं, ये देखो भाई इसमें किए हैं, धन्यवाद भैया बड़ू भैया की वजह से खाली हो गया भाई, वो भैया भी आ चुके हैं, पैसा बस लेना है उनसे, पैसा कितना था? 80। चलो भाई पैसा ले लेते हैं, 100 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए वापस करने हैं यार इसमें से। हेलो भैया ये देखो गाइस 20 रुपए वापस कर दिए हैं, सुनो चलिए अब चलते हैं फिर से किसान मार्केट के पास। अभी दोस्तों फिर से आ चुके हैं किसान मार्केट के पास, लेकिन अब तक कोई सब्जी नहीं रखा है यार, सबको ले गए हैं लग रहा है, ये देखो खाली हो चुका है मार्केट भी, लगभग खाली हो चुका है, ये देखो मूली बस दिख रहा है इस साइड, वो भी बिक चुका है, एक को तो गणपत भैया ले गए हैं वो पता है, और 100 जूरी मेथी को एक भैया ले गए हैं उससे भी, चलो यार अब लेकर आते हैं पैसा और झोला। अभी दोस्तों गणपत भैया के पास आ चुके हैं, ये देखो 170 दे दो यार, 180 हो रहा है, 170 दे दो, ये तो पूरा बीत दिया, कम धनिया देखा क्या, 100 रुपए में यार मात्र, एक धने कम में नहीं दिया हूँ आपको, 80 रुपए में मेथी दे रहा हूँ तो 90 रुपए पड़ रहा है यार, 80 रुपए मेथी का मान लो, सही है इसका वजन में, अरे दो तीन ठीर 80 तय का है, न्यू नोट दो ना यार, नया नया नोट रखे हैं यार, 20 धारी में वचन, ओके सर
चलो ठीक, 20 रुपए भांजे देंगे। और ये देखो टमाटर कैरेट में मिला सर, एक नंबर चोर माल माल इसके यहाँ का है। चलो गाइस पैसे मिल चुके हैं 20 रुपए को, ये भांजा देगा। और 100 जूरी वाले भैया का भी पैसा मिल चुका है यार, रोड में आ ही रहा था तो वो भी दे चुके हैं। हो गया आप सभी का पैसा क्लियर। अभी दोस्तों गणपत भैया के पास पैसा लेकर आ चुके हैं, अभी चंदू भैया के पास। ये देखो क्या हाल है सर, छोला छोला हो रहा है भाई। इन लोगों का कंट्रोवर्सी हो रहा है, छोला के नाम से झगड़ा हो रहा है। छोला इधर उधर लेके चिरा झोला सील के देते लदी, मोर झोला की छ मोर झोला का में नया झोला सील के लाऊंगा भाई आज। इन लोगों का तो झोला के चक्कर में कंट्रोवर्सी हो रहा है। ए भाई आनंद भाई, वो क्या बोल रहा था मैं, धनिया मेथी को पैसा कितना देना है आपको? 80 रुपए में मेथी को दिया हूँ, 100 रुपए में धनिया को, 170 दे दो यार, 10 कम दे दो। नहीं यार 180 नहीं, 170 दे दो। 170 गणपत भैया से भी लिया हूँ तो 170 ही दे दो। मामा 20 दे दे लीला का नाश्ता कर काला। आनंद 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 को मैं दे रहा हूँ 220 रुपए। और क्या क्या ले लिए सर? नहीं लिया हूँ आज ज्यादा यार, 5 कैरेट टमाटर है। टमाटर क्या रेट में मिला यार? टमाटर मैं लिया 410 रुपए में, मतलब सस्ता हो गया। 410 नहीं यार, 460 रुपए सर। 460। चलो गाइस पैसे हो चुके हैं और ये 50 रुपए पहले का है भाई, जो उस दिन 100 जूरी 110 जूरी धनिया दिए थे उसका है ये पैसा। अच्छा मार रहे। चलो अब हो गया सब्जी ना, आज बहुत जल्दी बिक गया गाइस। अभी दोस्तों बाइक में लटका दिए हैं झोला को, ये देखो इधर रखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं घर, कितने का सेल किया मैं घर जाके बताता हूँ। सो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और आज के मार्केट की बात करें ना तो आज का मार्केट बढ़िया था यार, जल्दी जल्दी बिक गया सब्जी और थोड़ा रेट में भी ठीक ठाक बिका है। धनिया का तो ऐसी रेट जा रहा है 100 रुपए के आसपास, और मेथी आज थोड़ा 80 रुपए लगभग गया। चलो अभी टोटल सेलिंग की बात करें ना तो आज मैंने सेल किया है दोस्तों टोटल 770 रुपए का, और उससे ज़्यादा खर्च हो चुका है दोस्तों। किस किस चीज़ में खर्च किया हूँ उसको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यूरिया लाया हूँ एक बोरी, ये पड़े अपने को 300 रुपए, और 120 रुपए का ये पोटास है भाई 3 किलो, 40 रुपए किलो मान लो इसको। और बाकी घर का सामान में खर्च हो गया, एक स्वेटर लाया हूँ और घर का कुछ कुछ सामान लाया हूँ, टोटल ना 1080 रुपए खर्च हुआ है दोस्तों। 770 रुपए का सेल किए हैं और 1080 रुपए अपना खर्च हो गया, मतलब 310 रुपए मेरे जेब से अलग खर्च हो गया, और आज का पूरा कमाई भी चला गया, 1 रुपए भी नहीं बचा पाए हैं आज 770 रुपए में से। होने के लिए वैसे ठीक ठाक का हो जाता है यार, धनिया मेथी 600-700 रुपए 500 रुपए ऐसा का हो जाता है, और आज थोड़ा ठीक ही ठाक चला है मार्केट तो 770 रुपए का हो गया। 400 जूरी धनिया था और 500 जूरी मेथी था, टोटल 900 जूरी था जिसको 770 रुपए का सेल किए हैं। अब कम से कम 600 रुपए बन जा रहता तो ठीक रहता, लेकिन सामान भी ज़रूरी है यार, खाद लाना भी ज़रूरी था इसीलिए ले आया, घर खर्चा तो लगा ही रहता है और ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत चाहे 500-700 रुपए का होता है तो घर खर्चा बस चलता है, 2000-3000 का सेल करते हैं तब पैसा बचता है, लेकिन उस प्रकार से अभी सब्जी भी नहीं लगाएं कि 2000-3000 का सेल करें। तो ठीक है दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कैसा लगा आज के ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।